हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज के इस वीडियो के माध्यम से आरआरबी जेई में जो है जो फॉर्म निकला है आपको केमिकल एंड मेटलर्जिकल सुपरवाइज़र का लेवल 7, तो इसका जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है इसके रिगार्डिंग डिटेल जो है आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे। काफ़ी लोग क्वेरी कर रहे थे, तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर आप लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें हमारे वीडियो को। तो सबसे पहले देख लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन केमिकल एंड मेटलर्जिकल सुपरवाइजर पोस्ट के लिए क्या होना चाहिए। तो इसमें जो है आपके पास अगर डिग्री बी या बीटेक का जो है, अगर आपके पास फोर ईयर का अगर है एक्चुअली केमिकल टेक्नोलॉजी में या इसके इक्विवेलेंट, तो आप एलिजिबल होंगे। इसके अलावा जैसे आपका डिग्री पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में है तो भी आप एलिजिबल होंगे। इसके अलावा पेंट्स एंड कोरोजन प्रिवेंशन इसमें भी है तो भी आप एलिजिबल होंगे। पॉलीमर नॉलेज ऑफ एनी कंप्यूटर लैंग्वेज विल बी एसेंशियल, तो इसमें क्या है कंप्यूटर का भी थोड़ी बहुत जानकारी आवश्यक है मतलब। तो इसके अलावा और भी लोग एलिजिबल होते हैं, जैसे इसमें जैसे लिखा हुआ मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन, तो अगर आपके पास कोई भी यानी कि बी या बी टेक है केमिकल में तब तो आप एलिजिबल हैं ही। इसके अलावा पेट्रोलियम का भी में है तो भी आप एलिजिबल हैं, और पेंट एंड कोरोजन प्रिवेंशन पॉलीमर ये सब हैं तो आप एलिजिबल होंगे। तो ये लेवल 7 का जॉब है, और इसका जैसे लेवल 7 4600 ग्रेड पे का जॉब है और इसका बेसिक होता है 44,900। तो इसका जैसे आप शुरुआती दौर में सैलरी वगैरह जो है 60 से 65,000 आपका बनेगा, और बाद में सैलरी आपको बढ़ता चला जाएगा। और इसमें जो है केमिकल जो एक्चुअली मेटलर्जिकल का जो जांच किया जाता है, जिसे जो रेलवे का प्रोडक्शन यूनिट वगैरह जो होता है जहाँ पे सारे मैन्युफैक्चरिंग किए जाते हैं कोचेज वैगन व्हील वगैरह एक्सल वगैरह, तो उसका जो है जांच करना होता है मेटल सही है कि नहीं। इसके अलावा कैरेज एंड वैगन वगैरह में भी ROH वगैरह में इसकी पोस्टिंग होती है, वर्कशॉप में भी होती है। तो यहीं से लोकेशन होता है, ओवरऑल वर्क लाइफ वगैरह भी प्रोफाइल काफ़ी बढ़िया रहता है इस पोस्ट में। आशा करते हैं इस वीडियो के माध्यम से केमिकल एंड मेटलर्जिकल सुपरवाइजर का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है इसके रिगार्डिंग डिटेल जो है आज के इस वीडियो में आपको समझ में आ गया। अगर आपको चैनल अच्छा लगता है जरूर लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। धन्यवाद।